देखिए, सत्ता और घमंड के नशे में चूर केंद्र की मोदी सरकार अपनी औकात भूल चुकी है। मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करता हूँ, लेकिन वाकई में ये अपनी औकात भूल चुके हैं। ये समझ रहे हैं कि दो चार दलालों के बल पे, चार पांच उद्योगपतियों के बल पे ये इतना बड़ा जन आंदोलन ये कुचल देंगे, ये ख़त्म कर देंगे। और जन आंदोलन नहीं, आंदोलन नहीं कहूँगा मैं ये कहूँगा कि ये एक क्रांति है, क्रांति है ये साहब। मतलब गांव का बुजुर्ग से लेकर के, युवा से लेकर के, जवान, किसान, सभी अपने दिल से, अपने उससे, आत्मा से इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि और एक 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 शेर मुझे याद आ रहा है इस सरकार की, और ये मेरे इरादे भी बता देगा कि दिल्ली तेरी छाती पर लहू के ये निशान रहेंगे, या तो ये सरकार रहेगी या फिर हम किसान रहेंगे। तो अब लड़ाई जो है आर पार की है। ये कुछ भी पैतरे अपला लें, ये कुछ भी हथकंडे लगा लें, ये NIA भेज दे, CBI भेज दे, रॉ भेज दे, रॉ के भी लोग घूम रहे हैं। विडम्बना देखिए कि जिस रॉ को सरहद पे लगाना चाहिए था, जिस रॉ को पुलवामा अटैक की जांच करनी चाहिए थी, जिस रॉ को देश विरोधी ताकतों को रोकना चाहिए, वो आज हम किसानों, हम मजदूरों, हम गरीबों को लगाने पे रूद है। और लेकिन अतुल जी, सरकार ने तो आखिरी लकीर खींच दी है कि बस यही है और आगे कुछ नहीं है। तो ये यही तो इनका घमंड दिखा रहा है। ये अब जैसे क्या होता है ना, ये अब नंगे हो रहे हैं। ये जो है इज्जत और उसके परवाह, सत्ता के नशे में ये चूर हैं। और मुझे याद आता है, और इनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बाद गुलिस्ता करने को। हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, समझ रहे हैं? तो ये अनपढ़ जाहिल संघी जो है, मैं संघी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितना भी अभी आपने देखा, अभी हमने इनका पर्दाफाश किया, अभी लेटेस्ट बता दूँ, कल रात में RSS के BJP समर्थक कुछ दलालों को हमने पकड़ा है, जो प्लानिंग में थे कि पूरे आंदोलन को भटकाने के। आप क्रोनोलॉजी समझते हैं? जो हमारे तड़ीपार जी हैं, अमित शाह जी हैं, तो वो क्रोनोलॉजी सेट कर रहे हैं, और ये नहीं जान रहे हैं कि ये जनता जान रही है इनकी क्रोनोलॉजी। इनका जो पूरा सिस्टम है, ये जो किस तरीके से देश को खोखला कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने कॉमन लोगों से बात की, जो मतलब देश का मजदूर है, किसान है। आज किसानों की ये भावना है। लेकिन अतुल जी, लाखों लोग बॉर्डर पे पड़े हैं, 2 महीने होने वाले हैं, आज 59 दिन हो गए इस आंदोलन को चलते हुए। हाँ, लेकिन सरकार पे बिल्कुल भी असर नहीं पड़ रहा। तो वही तो कह रहा हूँ कि इनकी चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है, ये इतने मतलब घमंड में इतने ये चूर हैं कि इनको, ये सत्ता के नशे में ये चूर हैं, इनको लग रहा है कि हम ही हम हैं। लेकिन ये तो वही लोग कोर वोटर हैं बीजेपी के, जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया। वही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा कि ये आंदोलन नहीं है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी को लग रहा है कि ये आंदोलन है, ये शाहीन बाग है, आएंगे उखाड़ के चले जाएंगे, जामिया मिलिया इस्लामिया है, 10 छात्रों का दमन कर देंगे। ये हिंदुस्तान की आम जनता है, मजदूर है, किसान है। आप कैमरा पैन करिए, देखिए, ये कोई अंबानी का व्यक्ति नहीं है, ये कोई अडानी के व्यक्ति नहीं है। दे आर द कॉमन पीपल ऑफ दिस कंट्री, दे आर द रियल पीपल ऑफ दिस कंट्री, हु ब्रिंग गवर्नमेंट्स, जो सरकारें ले आते हैं सत्ता में। और जब ये रूठे हुए हैं, ये घरों से, अभी मैं जत्था मिला तो एक बाबा जी, वो विकलांग है, उन्होंने कहा, मैंने कहा बाबा जी ये आप, मतलब आपको मैं मदद कर दूं, उनकी भावना ये थी कि ये इसका कोई फिक्र नहीं है, मैं विकलांग हूँ, दौड़ने लगूंगा। लेकिन अतुल भाई, मेरी ये भावना है कि मोदी को उजाड़ के यहाँ से जाऊंगा। तो ये ऐसी भावना है, ये ऐसी भावना। लेकिन अतुल जी, आप कह रहे हैं कि मोदी को उजाड़ के जाएंगे, अभी 2 दिन पहले सर्वे आता है इंडिया टुडे ग्रुप का,
वो तो अभी भी मोदी की लहर दिखा रहे हैं। अब आप तो आप देखिए, बहुत छोटी बात कर दी आपने, गोदी मीडिया की बात कर दी, इन दलालों की बात कर दी। ये इस देश को डे वन से आपने देखा, अर्णव गेट का हो, गोदी मीडिया का हो, अर्णव गेट, कहीं ना कहीं उनके सर्वे तो सच होते हैं ना सर? नहीं देखिए, सर्वे क्या सच होते हैं, सर्वे आपके आपके, हाँ ये जनता है बोलेगी, बताओ इंडिया टुडे का सर्वे आपने, किसी ने सर्वे दिया क्या? तेज बोलिए, तेज बोलिए, अर्णव गोस्वामी का आपने सर्वे दिया क्या? इंडिया टुडे, आज तक दलाल मीडिया, हाँ आपने दिया किसी का? ये है जनता। मैं झूठ बोल सकता हूँ, हो सकता है कि मैं आपके कैमरे पे हूँ तो झूठ बोल दूंगा, लेकिन दे विल नॉट लाए, दे आर द रियल पीपल ऑफ इंडिया, दे आर द रियल पीपल ऑफ इंडिया। आप इनकी सबकी बात सुनिए, ये कुल मिला जुला के देखिए, पहले क्या होता था कि पैसा जो है, जो बड़ा करप्शन का ब्लैक मनी होता था, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट समझिए, पहले इनके क्या होते थे कि सरकारों में और दलाल होते थे, अब क्या है, अब मीडिया निगोशिएट करता है किसी भी खबर को कितने पैसे लेने हैं, मीडिया निगो। आपने देखा जैसे कि अर्णव गोस्वामी के चैट्स, जिस तरीके से सीक्रेट एक्ट में अर्णव गोस्वामी को UAPA के तहत जेल में डालना चाहिए और आजीवन कारावास होना चाहिए, और इसी मुद्दे को, अर्णव गेट को ही छुपाने के लिए कल इन्होंने अपने लोग भेजे थे जो कि प्लानिंग कर रहे थे, उनके पास बंदूकें थी, हथियार थे, उनके कॉन्टैक्ट्स पुलिस के भी थे। आप देखिए, जिस पुलिस को हम कह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा में लगी है, जो पुलिस हमारे पुलिस लिए, तो तुम आप अपने ही बता, लेकिन हाँ, अरे लोग हैं वो, हमारे हाँ, जवान हैं हमारे, अरे भाई पुलिस हमारे ही है, तुम्हारे खिलाफ हम, अरे तो यही तो राजनीति है, इसी को तो हमें समझने की जरूरत है। ये आज बाप बेटे को लड़ा रहे हैं, अभी तक इन्होंने क्या किया था, जाति धर्म समुदाय को लड़ाया था, फिर जैसे ये कह रहे हैं कि अमीर गरीब के बीच में गैप चालू किया कि अमीर होता जाएगा और गरीब और धरातल पे, रसातल पे नीचे गिरता चला जाएगा। ये और अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये जो हिंदुस्तान की जो ताकत है, जो किसान है, जो मजदूर है, अब इन्होंने, आपने इससे पहले देखा, सच्चाई तो है ना, एक महीने में जनता भूल जाती है ना, ये तो सच्चाई है। ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ गजेंद्र जी, ये भूलने वाली चीज नहीं है। आपने भी बहुत सारे आप सच दिखाते हैं, और आप जैसे बहुत कम चैनल हैं जो मुझे हर जगह आप दिखते हैं, और जहां पर भी आंदोलन होता है वो आप मुझे ईमानदारी से बताइए कि क्या आपको यहां पे ऐसा माहौल दिख रहा है क्या? ये जन भावना है, ये आंदोलन नहीं, ये क्रांति है। और ये क्रांति, मतलब मैं समझता हूँ कि 30-40 साल में आती है, लेकिन बोर्ड इन मुद्दों को ध्यान में रखकर थोड़ा ही देती है। बिल्कुल देगी, यही कन्वर्ट होंगे क्या? आप कन्वर्ट होंगे क्या? क्या आप इस देश विरोधी लोगों को, जो इस देश विरोधी कानून पारित करते हैं, उनको वोट देंगे क्या? नहीं देंगे। यहाँ झूठ नहीं बोल रहे ना, ये कैमरा, ये लोग, ये सब साक्षी है। क्या आप संघियों को, BJP वालों को वोट देंगे क्या? नहीं देंगे। देख लीजिए, ऐसे भावनाएं बनती हैं, ये मल्टीप्लाई होंगे, ये 10 कह रहे हैं, दे विल मल्टीप्लाई इनटू 10 इनटू 20-30 एंड दिस, ऐसे क्रांति पूरे देश में बढ़ेगी। और जिस तरह, वही अतुल जी, वही सवाल है, हाँ, जिस प्रकार का कल का सरकार का रवैया रहा है, आखिर वजह क्या है, इतनी मजबूत स्थिति में क्यों है सरकार? देखिए, कल कृषि मंत्री ने कहा कि यही लास्ट हमारे पास है, लेना हो लो या मत लो। देखिए, मेरा एक नज्म याद आती है कि वो डरते हैं, वो सरकार में बैठे हुए लोग डरते हैं, वो डरते हैं तमाम फौज, गोले, बंदूक, गोलाबारी होने के बावजूद वो डरते हैं, वो डरते हैं, वो डरते हैं क्यों? वो डरते हैं कि एक दिन गरीब निहत्थे लोग उनसे डरना बंद कर देंगे, गरीब निहत्थे लोग उनसे डरना बंद कर देंगे, इसलिए वो डरते हैं। तो ये जो गरीब निहत्थे लोग हैं, ये जब डरना बंद कर देंगे तो यही क्रांति आ जाएगी। क्योंकि सरकार ने यही गलत फैसला लिया है, और भी गलत फैसले लिए हैं पहले तमाम। ये तो डे वन से सर, डे वन से मैं आपके साथ हूँ, CANRC में मैं साथ था आपके। आपको पहले CANRC जाति मजहब पे बांट दिया, फिर इन्होंने चाहा कि लेबर लॉज को कमज़ोर करें, फिर उन्होंने अब किसान, ये कुल मिला जुला कि ये चाहते हैं कि कॉरपोरेट गुलामी आ जाए। कॉरपोरेट गुलामी समझते हैं आप? कॉरपोरेट गुलामी के मतलब कि अंबानी, अडानी, बिरला, टाटा, इनको हम चार लोगों को बैठाएंगे, हम बोलेंगे हाँ अंबानी जी आप बताइए, मोदी जी पूछेंगे कि अंबानी जी आप बताइए क्या आप करना चाहते हैं आप देश में, अंबानी कहेंगे मैं ये करना चाहता हूँ,
टाटा कहेंगे मैं ये करना चाहता हूँ, तो ये क्या करना चाह रहे हैं? एक फैसिज्म है, एक तरीके का फैसिज्म। डेवलप भी तो करते हैं ना सर, क्या तो करते हैं ना डेवलप। आप ये बताइए, आप ये बताइए कि डेवलपमेंट डेवलपमेंट हम क्या हैं? हम क्या हैं? हम एक वेलफेयर स्टेट हैं, हम समाजवादी लोग हैं। समाजवादी का मतलब होता है कि समाज को सरकारी नौकरियां देना, समाज से चुने हुए जनप्रतिनिधि ऊपर तक जाएं। अब जो अमीर हैं, जो बड़े हैं, जो जिनके पास अरबों की वो है, तो ये हमारे देश के आइडियोलॉजी को सूट नहीं करता है। सरकारी नौकरियां आप ख़त्म कर दीजिए, आप अंबानी को, तो किसी भी चीज़ का जो अति होता है सारे ठेके दे देंगे, तो क्या हमारे स्मॉल और मीडियम स्केल बिजनेसमैन ये तो भूखे मर जाएंगे? आप अगर देते हैं, हो सकता है कि आप जियो दे दिया, आपने टेलीकॉम सेक्टर दे दिया, दे दो अंबानी जी को टेलीकॉम सेक्टर, लेकिन आप ये बताइए कि टेलीकॉम से तो करोड़ों लाखों करोड़ों अरबों रुपये वो कमा रहे हैं, आप किसानी भी दे दोगे? लोग किसानी भी आओ, अपना इंटीग्रेटेड प्लांट बनाओ, किसान अपनी मेहनत से खून पसीने से उगाए, तुम उसका तेल खरीदो 60 रुपए में और तुम उसी तेल को अपने उस पर खूब बढ़िया पैकिंग कर दो, जियो का उस पर सिंबल मार दो, ठप्पा मार दो, और वही 60 रुपए का तेल 150 रुपए और मिल रहा है इस समय तेल 150 रुपए मिल रहा है कि नहीं? वही सरसों का तेल जो आम खुदरा, मतलब कि अगर अगर किसानी देखिए डे वन से हम कह रहे हैं, अगर किसानी कॉरपोरेट के हाथ में जाएगा, आप पीछे जाइएगा देखिएगा वहाँ पे हमने एक बैनर लगाया है कॉरपोरेट भगाओ देश बचाओ, अगर किसानी कॉरपोरेट के हाथ में गई तो ये गुलामी होगी। लेकिन अतुल जी अगर कॉरपोरेट को भगा दो इंडस्ट्री कौन लगाएगा? देखिए ये तो सरकारें तय करेंगी ना कि कैसे जनता को। अब आप कहिए कि सरकारें क्या तय करेंगे, सरकारी प्रोडक्ट तो आप खरीदते नहीं है। बताइए कितने किसानों ने एचएमटी का ट्रैक्टर खरीदा, कंपनी बंद हो गई। आप ये बताइए क्यों नहीं खरीदा? बहुत लोगों ने खरीदा, कहां खरीदा? तो इसका ये सलूशन है क्या कि बंद कर देना चाहिए या सरकारी व्यवस्थाओं खत्म कर देना चाहिए? बीएसएनएल भी क्या आपके हिसाब से सही है? नहीं, बीएसएनएल मैं चलाता हूँ, बीएसएनएल मैं चलाता हूँ। आप देखिए कितने लोग चलाते हैं, पूछिए क्या क्यों? देखिए यहाँ पे अगर नहीं चलाते हैं तो किसकी तो नाकामी किसकी है ये? आप ये बताइए क्या बीएसएनएल का अगर इस पे बर्बाद किसने? बीएसएनएल को बर्बाद कर, अगर बीएसएनएल बर्बाद होगा तभी तो जियो चलेगा। जियो नहीं, बीएसएनएल जब बर्बाद होगा, सरकारी अस्पताल जब खत्म होंगे, जब सरकारी राशन की दुकानें खत्म होगी, तब ना प्राइवेट चलेगा। आप क्यों नहीं समझ रही? यही तो साजिश है, सरकार तो यही कह रही है। आप ये बताइए छोटी सी बात, छोटी सी बात बताइए, क्रय केंद्र है हिंदुस्तान में, किसान जो है आप लोग क्रय केंद्र पे जाते हैं? क्रय केंद्र पे अपना माल बेचने जाते हैं, गन्ना गेहूं सब जाते हैं ना? तो मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी को क्या दिक्कत आ रही है, क्या हिस्सेदारी उनको मिल रही है अंबानी अडानी से, क्या वो दलाली कमा रहे हैं कि उन क्रय केंद्रों को, जो क्रय केंद्र यहाँ पे अनाज बिकता है, उन क्रय केंद्रों को क्यों नहीं वो डिजिटलाइज कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं इंटीग्रेटेड प्लांट्स बना रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं प्रोसेसिंग यूनिट बना रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं जो किसान है, जो किसान का बीच में जो किसान के बीच में भी लाखों लोगों का रोज़गार है, जो माल को रखते हैं, रख रखाव करते हैं, उसको बेचते हैं, साफ़ करते हैं, पॉलिश करते हैं, उनका भी है, तो उनकी भी नौकरी आप खा जाएंगे। आखिरी सवाल है, सरकार ने तो हद खींच दी है, हाँ। कि इससे आगे हम नहीं जाएंगे। देखिए किसान क्या करेंगे? देखिए हमारी ये है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। आज ये दीवार पर दो केतरा हिलने लगे, शर्त लेकिन है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। देखिए सरकारों का ये नेचर होता है, सत्ता में रहने के लिए वो जनताओं का दमन करती हैं, कुचलती हैं, ख़त्म करती हैं, रौंदती हैं, लेकिन लोकतंत्र में जो जनता की शक्ति है वो सर्वोपरि है। लोकतंत्र जनता का है और हम जनता की भागीदारी को सलाम करते हैं। और मैं समझता हूँ ये लोग जो ये समझ रहे हैं कि ये आंदोलन 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा या हम यहाँ पे गोलीकांड कर देंगे, रास्ता क्या है? देखिए रास्ता साफ साफ है, वी फार्मर्स, वी फ्रॉम डे वन डिमांड कंप्लीट रिपील एंड रोल बैक ऑफ ऑल द 3 ब्लैक लॉज। इसके पीछे हम कोई समझौता नहीं करेंगे और आपको मैं न्योता भी दे रहा हूँ, आप 26 तारीख को आइए, हम बहुत ज़बरदस्त ट्रैक्टर परेड करने वाले हैं किसानों के साथ, और ये परेड
बहुत शांतिपूर्ण होगी, बहुत ही ज़बरदस्त होगी और हम अपना राष्ट्रीय पर्व मनाएंगे। और मैं सरकार में बैठे हुए लोगों की देखिए वार्ता से ही चीज़ें होंगी, हम लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे हक की बात हो। और अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि ये जो है कि जनता के किसानों के हम रहनुमा हैं, तो मैं प्रधानमंत्री जी को भी आग्रह करूँगा कि अपने घमंड को, तिरस्कार को, अपने उस